मस्त है, यहाँ से देखिए कितना शानदार लग रहा है यहाँ से इसका जो लुक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और इस नए ब्लॉग वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं तुम्हारे भाई का नाम योगेश है और दोस्तों मैं आज हाजिर हो गया हूँ साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली में एक बहुत शानदार मकबरा है जिसका नाम है सफदरजंग का मकबरा, को एक्सप्लोर करने के लिए आज मैं आया हूँ। तो चलते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दिया करो साथियों। और यदि आप यही मेरा ब्लॉग आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो भाई को फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो जाके फॉलो कर लेना फेसबुक पर। चलते देने कर तो आपको ले चलते हैं, आओ फिर चलते। यदि दोस्तों आप भाई मेट्रो आना चाहते हो तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो जोरबाग है। यदि आना चाहते तो येलो लाइन आती है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर सफदरजंग का मकबरा है, तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोरबाग है। यदि दोस्तों आप अपने व्हीकल के साथ आते हो तो इसका पार्किंग जोन है, पार्किंग एकदम फ्री है, आप यहाँ पर अपनी बाइक या कार पार्क आराम से फ्री में कर सकते हैं। तो इसी के अंदर इसकी पार्किंग है सफदरजंग के मकबरे की। वो लोकेशन बता दे रहा हूँ, आप मेरे सामने देख रहे हैं ये लोधी रोड है, लोधी रोड के अपोजिट साइड में ये सफदरजंग का मकबरा है। आप देख रहे हैं अरविंदो मार्ग है, अरविंदो मार्ग पर यही स्थित है सफदरजंग का मकबरा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया लोकेशन, चलते हैं अंदर की। सो गाइस, कुछ इस प्रकार की इसकी टिकट है सफदरजंग के मकबरे की, और 14 साल से कम बच्चों की फ्री एंट्री है। 14 साल से जितने भी ऊपर हैं उनकी 25 रुपीज़ एंट्री फ़ी है। तो यह है कुछ इस प्रकार की टिकट। और दोस्तों ये है सफदरजंग के मकबरे का प्रवेश द्वार, यहाँ से आपकी एंट्री होगी। देख सकते हैं कितना विशाल द्वार है, काफ़ी मतलब देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। चलते हैं अंदर की और दिखाते हैं आपको, बंदे चलते हैं और बढ़िया। यहाँ पे वहाँ पे आपको एक मस्जिद मिलेगी, यहाँ पे जुम्मे वाले दिन नवाज होती है और यहाँ पे ये छोटे छोटे कक्षे बनाए गए हैं और इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रवेश द्वार के बारे में लिखा हुआ है, देख पोस्ट करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे सफदरजंग का मकबरे के बारे में लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा। चलते हैं अंदर की ओर, आओ फिर चलते हैं। और जो उसकी टाइमिंग है वो जब तक सूर्य उदय होता है सुबह और सूर्यास्त तक इसकी टाइमिंग है, आप कभी भी आ सकते हैं जब तक सूरज रहेगा। तो चलते अंदर की ओर, आओ फिर चले। यह इसका प्रवेश द्वार, देखिए ये कितनी शानदार मतलब इसकी वस्तुकला है। अंदर चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया है काफ़ी, और डिज़ाइन देखिए यहाँ पे आप कितने शानदार डिज़ाइनिंग की गई है, देखिए आप। और ये देखिए छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े मतलब कमरे टाइप में बनाए गए हैं। और यहाँ पे मतलब जहाँ तक इसका, हाँ यहाँ पे इसका म्यूज़ियम है, किताबें यहाँ पर। और इसकी जो गुंबद की देख सकते हैं अंदर से मतलब बनावट कैसी है, और कक्ष बनाए गए शानदार तरीके से यहाँ पर, और डिज़ाइनिंग देखिए देखिए मज़ेदार है, काफ़ी शानदार लग रहा है यहाँ पे अभी से ही। और सो गाइस, आप देख रहे हैं सामने मेरे सफदरजंग का मकबरा कितना शानदार आला शाही जानदार लग रहा है। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, यहाँ तक पेंट हो रहा है, और देख सकते हैं आप जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा फीडबैक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फवारे चलते तो और शानदार लगता, लेकिन सही लग रहा है बढ़िया। चलते हैं अभी ऊपर, देखते हैं और क्या है आगे की ओर, बताते हैं आपको। और साथियों मैंने यहाँ पर आकर एक चीज़ नोटिस करी, जैसे कि हुमायूं के मकबरे का जब मैंने ब्लॉग बनाया तो वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही चार बाग उद्यान शैली देखी, तो यहाँ पर भी मतलब चार बाग उद्यान शैली मतलब देखने को मिल रही है अपन को। और यहाँ पर एक चीज़ मेजर करी है मैंने, जितनी मतलब मुगल वस्तुकला होती थी पहले ऐसे गेट बनाते थे, जैसे कि हुमायूं के मकबरे में प्रवेश द्वार था जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ऐसी ये सफदरजंग के मकबरे का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप सामने देख रहे हैं सफदरजंग का मकबरा है, बस ऐसे इसमें एक अंतर मुझे देखने को मिला है कि जैसे कि हुमायूं के मकबरे में बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसी था, ऐसे फवारे चलते थे, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि इसमें दो मीनारें बनाई गई हैं बगल में, आप देख रहे हैं ये मीनारें बनी हुई हैं जो जैसे ताजमहल में बनी है। तो कह सकते हैं जो मुगल वस्तुकला होती थी वो लगभग सेम ही होती थी, मतलब कि 10-5% का अंतर रहता था, बिल्कुल सेम रहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर मतलब शानदार हरियाली है, हरियाली में आप देख सकते हैं ये फवारे चल रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे ऐसी मतलब कैरियों में लग रहा पानी। यदि ये वाला फव्वारा चलता तो और शानदार लगता, लेकिन गर्मी ज़्यादा हो रही है जिसके कारण यहाँ पे मुझे लग रहा पानी का सुविधा इतनी ज़्यादा है नहीं। यदि ये यहाँ पे पानी चलता तो ये काफ़ी आलाशाही शानदार ये सफदरजंग का मकबरा लगता। तो चलते हैं, देखते हैं और क्या है अंदर की ओर, और बताते हैं इसके बारे में आपको कुछ। और देखें यहाँ पर कितने शानदार ये फूल हैं, फूलों के चारों ओर हरियाली है, और ये शानदार कितने शानदार ये बड़े बड़े पेड़ हैं देख सकते हैं, और पेड़ों के बीच में शानदार ये कितना शानदार आलाशाही सफदरजंग का मकबरा है। और देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए भाई को यदि ब्लॉग अच्छा लग रहा है। गर्मी हो रही है, आज धूप निकली है, 2-4 दिन से मौसम काफ़ी शानदार था दिल्ली में, लेकिन आज जिस दिन मैं ब्लॉग बनाने निकलता हूँ उसी दिन धूप निकल जाती है।
गाइस मैं आपको इस मकबरे के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। यह है मकबरा जो मतलब अंतिम मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है और जो अंतिम मतलब मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह के अधीन रहे अवध के नवाब सफदरजंग का मतलब ये मकबरा है। इनकी यहाँ पर कब्र है और इनकी वाइफ की भी यहाँ पर कब्र है और आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ मतलब चार उद्यान शैली है, चार उद्यान शैली के बीच में ये शानदार ये मकबरा। इसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो उनके पुत्र थे शुजा-उद-दौला उन्होंने इसका मतलब निर्माण करवाया था। 1754 में इसका मतलब निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1756 में पूरा हो गया था। और जिनका मतलब इनका जन्म साथियों 1708 में हुआ था जो ईरान के निशापुर में इनका मतलब जन्म हुआ था सफदरजंग का और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई थी। और देख सकते हैं कितना शानदार आलाशा यहाँ पे लग रहा है, चारों तरफ आपको फूल देखेंगे, हरियाली देखेंगे, बीच में आपको शानदार ये सफदरजंग का मकबरा देखने को मिलेगा। और देखिए और गाइस जो सफदरजंग थे वो अवध के सूबेदार और मुगलों के तरीके से प्रधानमंत्री थे और देख सकते हैं मतलब पूरा मतलब जो इसका स्टाइल है वो मुगल वास्तुकला से मतलब निर्मित है। अब वो जैसे कह सकते हैं हुमायूं का मकबरा उसके डिट्टो जैसे ही है, बस इसमें मीनारे हैं जैसे ताजमहल में, मतलब कि सेम ही रहता था। मतलब बाबर का मकबरा देख लो, अकबर का मकबरा देख लो आप, मतलब पहले ही बिल्कुल सेम, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। तो गाइस ये है सफदरजंग का मकबरा, चलते अंदर की ओर आपको दिखाते हैं अंदर से। तो दोस्तों चलते हैं अंदर की ओर, अब सफदरजंग के मकबरे के अंदर चलते देखते हैं, ऊपर से दिखाते हैं आपको व्यू। चारों तरफ देख रहे हैं आप, चारों उद्यान शैली का शानदार तरीके से पालन किया गया है। बस यहाँ पे पानी नहीं भरा, पानी होता तो और शानदार लगता, लेकिन बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे ज़्यादा कपल्स आते हैं, यदि आप मतलब फ़ोटो शूट करने के लिए आना चाहते हो सबसे बेस्ट जगह है ये, मतलब दिल्ली में सफदरजंग का टॉप। मतलब पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं पूरी दिल्ली घूमूंगा, पूरी दिल्ली में जितने भी मतलब चाहे छोटे पॉपुलर प्लेस हो या बड़े हों सब जगह जाना है, सब जगह घूमना है, जब भी तो पता चलेगा कि यार हाँ किस जगह पे कैसा क्या अनुभव है। तो यही अपना उद्देश्य है, चलेंगे अभी घूमेंगे, काफ़ी जगह चलना है अभी, तो अभी बहुत बड़ी मंजिल है, चलेंगे अभी। तो चलते अंदर के ऊपर से देखते हैं और क्या है ऊपर, चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे मतलब छोटे छोटे मतलब घर टाइप में मतलब यहाँ पे बनाए गए हैं और ये देख सकते हैं ये मतलब गेट लगे हुए हैं, यहाँ से ऊपर ही जाने का रास्ता है। तो आओ फिर चलते हैं ऊपर की ओर। और गाइस फाइनली आ गए अपन ऊपर और ऊपर से आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पे लग रहा है और देखिए सामने प्रवेश की साइड से कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलते अंदर की ओर, दिखाते हैं आपको की मेन चीज़ है अंदर की। और गाइस मैं ऊपर आया, ऊपर से मतलब काफ़ी शानदार लग रहा है, देख सकते हैं आप। और चारों ध्यान शैली है, मतलब चारों तरफ बगीचा है और फूल भी हैं, पौधे भी हैं, शानदार हवा चल रही है, हवा के बीच में ये शानदार ये सफदरजंग का मकबरा देख सकते हैं आप। चलेंगे अंदर की ओर और देखिए मतलब कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मतलब कम लोग आते हैं लेकिन सैटरडे संडे के दिन ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, अभी तो फिलहाल कोई है नहीं। पीछे साइड में ज़्यादा लोग कपल्स आते हैं, मेन चीज़ कपल आते हैं, पीछे साइड बैठे रहते हैं सिक्रेट जोन में। तो चलते हैं अंदर की ओर। आओ सफदरजंग और उनकी वाइफ की नीचे कब्र है और देखिए ये है उनकी कब्र सफदरजंग की, ये है सफदरजंग कब्र। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे भी कक्ष, चारों तरफ से प्रवेश द्वार, चारों तरफ से हवा आती है बढ़िया, देखिए। और ये है सफदरजंग की कब्र। और दोस्तों यहाँ पे मतलब सफदरजंग के मकबरे के साथ साथ यहाँ पे मतलब काफी सारे महल भी हैं, एक मोती महल है, एक जंगली महल है, एक बादशाह पशन महल है। चलते हैं उनको और दिखाएंगे आपको, पीछे देखिए आप, ये है सफदरजंग का मकबरा। मतलब ठीक है, बढ़िया है, मतलब घूमने वाली काफ़ी शानदार जगह है। यदि आप आना चाहते हो तो आइए, कपल्स के लिए तो बैठ सी आप, मतलब कपल्स ही आते ज़्यादा सैटरडे संडे के दिन, वीकेंड्स में ज़्यादा लोग आते हैं। अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, गर्मी के समय इसलिए मुझे लग रहा है कोई नहीं आया है, अदरवाइज़ विंटर में तो काफ़ी सारे लोग आते होंगे। देखिए चलते नीचे की ओर, दिखाते हैं आपको महल। पर साथ ही यहाँ से देखिए कितना शानदार लग रहा है, यहाँ से इसका जो लुक है बढ़िया लग रहा है यहाँ से। मतलब चारों तरफ से सेम ही द्वार है, चारों तरफ मीनार है और सामने आप देख सकते हैं गुंबद टाइप में बनाया गया है और चार मीनारें हैं। गुंबद देख रहे हैं सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है, जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये यहाँ पे मतलब ये डिज़ाइन है कुछ मतलब कि दर्शाते हैं क्या मतलब कुछ है। और देख और गाइस ये है पहला महल जिसका नाम है मोती महल और देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, दूर जाने कुछ फ़ायदा भी नहीं है, बहुत पास में जाने में सीढ़ियाँ बनाए गई हैं, तीन दरवाजे हैं और नॉर्मल ये कुछ खास ज़्यादा है नहीं वहाँ पर। तो चलते हैं दूसरे वाले में, देखते हैं। बस यही है कि यहाँ पे चारों ध्यान शैली है देख सकते हैं और ये बीच में फवारे चलते तो अच्छा लगता, इसका मतलब कि मतलब मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया गया, मतलब इसकी थोड़ी मरम्मत की जाए तो और अच्छा लगेगा साथ में। तो चलते हैं नेक्स्ट जंगल महल की ओर। तो ये ऐसी नॉर्मल और गाइस मोती महल को देखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये है जंगली महल और चारों तरफ यहाँ पे मतलब हरियाली है, मतलब चारों ध्यान शैली यहाँ पर है और
ठीक ठाक है, बढ़िया है। और देख सकते हैं ये है जंगली महल, इसमें मतलब कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही है बस, मतलब राजा जाता होगा जाता होगा बस, इसलिए से जंगली महल कहा गया है। और बढ़िया है यहाँ पे, ये मोती, ये जंगली महल है, मोती महल आपने देखा वहाँ पर। चलते हैं अब बादशाह प्रसन्न महल की ओर। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अपन ने अभी मोती महल और जंगल महल घूमा, तो आपने एक चीज़ देख गौर करी होगी कि मतलब चबूतरा नहीं था इसमें, आप देख सकते हैं आगे की तो, और ये चबूतरा है, और सामने देख सकते हैं छोटे छोटे मतलब ये घर बनाए गए हैं जो मोती महल और जंगल महल में नहीं थे, मतलब इसके और रौनक बढ़ा रहे हैं ये, जो मतलब सफदरजंग के बेटे थे शुजाउद्दौला, वो यहाँ पे मतलब शाम के टाइम आते होंगे, घूमते होंगे या कुछ समय बिताते होंगे, इसलिए यहाँ पे मतलब ये मंच मतलब जो है ना ये मतलब खास है, मतलब छोटा मोटा मंच नहीं है, मतलब ये बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं महल है, ये इसका नाम है बादशाह प्रसन्न महल, मतलब कि यहाँ। और दोस्तों फाइनली मतलब सब कुछ घूम लिया, पूरा उद्यान घूमिया, पूरा मकबरा घूमा, तीनों महल घूम लिए, काफ़ी शानदार फीडबैक था। यदि आप आना चाहते हैं तो आइए, काफ़ी शानदार जगह है, मतलब फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, कपल्स भी आ सकते हैं, कपल्स ज़्यादा आते हैं, पीछे साइड बैठते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।